होली की ही तरह एक और कलरफुल फेस्टिवल होली के ठीक 5 दिनों के बाद आता है, जिसे कहते हैं रंग पंचमी। उदया तिथि के अनुसार रंग पंचमी 30 मार्च को मनाई जाएगी, क्योंकि इस साल की होली थी 25 मार्च को। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि 29 मार्च 2024 को रात 8:20 पर शुरू होकर 30 मार्च 2024 की रात 9:13 पर समाप्त होने वाली रंग पंचमी की धूम महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सबसे ज्यादा होती है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से जुड़ा है प्रेम और रंग का ये त्यौहार रंग पंचमी। जाहिर सी बात है कि इस दिन श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इनकी पूजा में कान्हा और राधा जी को रंग अर्पित किया जाता है। रंग पंचमी के दिन भी लोग अबीर गुलाल उड़ाते हैं, बिल्कुल होली की ही तरह। पकवान बनाने और शुभकामना देने की रस्म भी होली की ही तरह होती है। तरह तरह के पकवान बनते हैं और मिलकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी जाती है। ये दिन देवी देवताओं को समर्पित किया जाता है। रंग पंचमी की पूजा करने की विधि के तौर पर जानकारों का ऐसा कहना है कि रंग पंचमी के दिन कमल के फूल पर बैठी लक्ष्मी नारायण के चित्र को घर के उत्तर दिशा में स्थापित करना चाहिए। इसके साथ ही लोटे में जल भरकर रखना चाहिए। गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर लाल गुलाब के फूल लक्ष्मी नारायण जी को अर्पित करना चाहिए। एक आसन पर बैठकर ओम श्रीं श्री नमः मंत्र का 3 माला जाप करें। लक्ष्मी नारायण जी को गुड़ और मिश्री का भोग लगाना चाहिए। ऐसी भी मान्यता है कि जीवन में बुरी शक्तियों पर काबू पाने के उपाय के रूप में होलिका दहन के 5 दिनों तक रंग पंचमी मनाई जाती है। होली का उत्सव चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होकर पंचमी तिथि तक चलता है। क्योंकि ये पंचमी तिथि पर पड़ती है, इसलिए इसे रंग पंचमी भी कहा जाता है।